दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, देखो बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गए कार्य की गणना करनी है। मैंने आपके सामने चित्र बना रखा है, देखो कोई ये वैद्युत क्षेत्र है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या कितने भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो ब्लैक से वैद्युत ध्रुव बनना है वो वास्तविक है और जो रेड से बनना है वो काल्पनिक है, ठीक है। देखो मैं इस वैद्युत ध्रुव है ये और मैं इसे इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होएगा, इसके बीच में कुछ कोण बनेगा, ठीक। अब बच्चों मैं आपको थ्योरी बोल के बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना फिर मैं लिख दूंगा। देखो मानो कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसके सिरों पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, इसके बीच का दूरी क्या 2L है, इसके सिरों पर आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति परिमाण में समान परंतु प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, और इन बलों के द्वारा क्या होता है, बल युग्मकों का निर्माण होता है। अब मैं थ्योरी को लिख देता हूं बच्चों, आप नोट कर लेना। आगे देखो, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत ध्रुव ए बी रखा है जिसके सिरों पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है तथा इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। द्विध्रुव के दोनों सिरों पर परिमाण व समान बल एफ एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करता है और एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करता है, तब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टो बराबर पीई साइन थीटा, हम पिछले आर्टिकल में से प्रूफ करवा चुके हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य बराबर बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ठीक। तो कार्य क्या हो जाएगा, dW, और बल आघूर्ण को क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है बच्चों। टो का मान रखो तो समीकरण फर्स्ट से तो कितना आएगा, dW बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। वैद्युत ध्रुव को जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य तो कितना जाएगा, पर dW बराबर कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। कहाँ से घुमा रहे हैं हम इसे, जीरो से थीटा, तो नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट, जीरो थीटा कौन घुमा रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू, इसमें से क्या आ जाएगा, PE तो आएगा बाहर, और इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल साइन थीटा डी थीटा, तो जो पद होता है उसके साथ जब थीटा है थीटा के इंटीग्रेशन होगा बस खाली। तो यहाँ पर देखो बच्चे, चूँकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कोस थीटा, ठीक है। तो करो कितना जाएगा यहाँ पर, PE माइनस का कोस थीटा लिमिट जीरो से थीटा, तो कितना आएगा, PE अपर लिमिट माइनस का चिन्ह आएगा परंतु एक माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर लोअर लिमिट, तो कितना आएगा, PE कोस थीटा, ये कोस जीरो का मान क्या होता है, कोस जीरो का मान होता है 1, PE तो ये प्लस का 1 है इसे पहले लिख लो और माइनस के कोस थीटा को बाद में लिख दो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपका बन के आ गया है, किसका आ गया, वैद्युत ध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य का, इसका मात्रक क्या होगा, जूल। अब देखते हैं आगे इसकी स्थिति,
तो इसकी स्थिति हम तीन प्रकार देखेंगे बच्चों, स्थितियां क्या होंगी। पहला केस देखो क्या बनेगा, पहला केस बनेगा 0 डिग्री पर, जब बीच में इसके दोनों दोनों कैसे 0 डिग्री पर, जब क्या आएगा देखो, थीटा बराबर कितना लिखेंगे 0 डिग्री, इसलिए डब्ल्यू बराबर पीई, यहाँ का नाम जो ठीक है, पहले 0 फिर 90 फिर 180 थीटा का मान, तो कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस का कोस 0, ठीक है। और देखो आगे, क्योंकि कोस 0 का मान क्या होता है 1, वैल्यू पुट करो यहाँ कितना आएगा पीई 1 माइनस का 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 में से 1 गया, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ जाएगी आपकी 0, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया आपका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो 0 डिग्री पर कोण कितना कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। आगे देखते हैं केस सेकंड, केस सेकंड क्या बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि तो इसलिए डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस का cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0, ठीक है। तो देखो कितना आएगा आपका PE 1 माइनस का 0, तो W बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PE, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका जब कितना कोण होएगा 90 डिग्री। आगे देखते हैं केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 हो, इसलिए W बराबर PE 1 माइनस का cos 180, ठीक है। cos 180 मान का होता है बच्चों, cos 180 का मान होता है माइनस का 1, तो यहाँ क्या जाएगा W बराबर PE 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन का जाएगा आपका फॉर्मूला W बराबर 2 PE, तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लाख, जब कार्य कितना होगा 180 डिग्री के लाख, ठीक है बच्चों। बच्चों जैसे कि मैंने आपके सामने वैद्युत ध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य का फॉर्मूला सिद्ध कर दिया है, डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस का कोस थीटा, और या कि तीन स्थिति थी 0, 90 और 180, मैंने आपके सामने प्रूफ कर दी है बच्चों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।